किसी भी फिल्मकार के लिए ये किसी अवार्ड से कम नहीं है कि उसके फिल्म की सच्चे दिल से प्रशंसा की जाए, तारीफ की जाए। और जब ये सच्ची प्रशंसा और तारीफ सेंसर सर्टिफिकेट देने वाले CBFC बोर्ड के मेंबर सदस्य अगर करे तो बात ही क्या है। मैं बात कर रहा हूं कल की 289 फिल्म की, जो अब 27 जून को रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म को जब सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया सेंसर सर्टिफिकेट के लिए, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सेंसर बोर्ड के जितने सदस्य है उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद। लोगों ने जो है इस फिल्म की जम के तारीफ की। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा अभी तक उनके सामने ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी जो जिसकी विजुअल्स इतनी जबरदस्त हो, जिसकी स्टोरी लाइन इतनी मतलब प्यारी हो और उसका प्रेजेंटेशन ऐसा हो। तो बोर्ड के मेंबर्स ने खूब खुलकर के तारीफ की है फिल्म की और लिखा है कि जिस तरह से इस फिल्म के ट्रेलर को काटा गया है, जिस तरह से इसमें सस्पेंस को बचा करके रखा गया है, वो सस्पेंस हमें 27 जून को जानने को मिलेगा। लेकिन फिल्मकार नाग अश्विन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और खुल करके तारीफ की। और फिल्म तो पास ही पास है, अभी से ही इस फिल्म को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा बज है। तो इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे और दिशा पाटनी जैसे तमाम कलाकार मौजूद है जो फिल्म को बहुत मतलब कि एकदम देखने लायक बनाते हैं। और ऊपर से नाग अश्विन का डायरेक्शन, उनकी जो एक कहानी होने वाली है कल्कि की, ये क्या ही होने वाली है इसका पता हमें चल रहा है। जिस तरह से सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने जिस तरह से इसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। और आप मानिए कि ओवरसीज में इस फिल्म को लेकर के जबरदस्त क्रेज है और इसकी एडवांस बुकिंग जो हो रही है जबरदस्त तरीके से हो रही है। और ये फिल्म इंडियन सिनेमा को एक नए लेवल, एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, एक माइलस्टोन फिल्म होने वाली है। तो लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।